ओम नमः शिवाय। मेष राशि के जातक आज ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः का मानसिक जाप करें, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। मेष राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मन एक अनजाने भय से ग्रसित रहेगा। कार्य व्यवसाय में मन लगेगा, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा है। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा चिंताजनक बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा छठ में चल रहे हैं कन्या राशि में, इसलिए पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सामान गायब होने का अंदेशा बनता है, इसलिए सचेत रहें। आज वृष राशि के जातक ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, काफ़ी अनुकूलता मिलेगी। कार्य व्यवसाय में थोड़ी उलझन हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अनुकूलता रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों का यह समय अच्छा है। एक दिन के लिए कहीं भी किसी अन्य काम के लिए भेजे जा सकते हैं। चूँकि बुध आज धनु राशि में आ गए हैं, इसलिए धन संबंधी मामलों में आज अनुकूलता मिलती रहेगी। छात्रों के लिए आज का समय अच्छा है, प्रयास करें, मन लगेगा। माँ का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातक आज गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें, बहुत अनुकूलता मिलेगी। कुछ दिनों से जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चली आ रही थी, वो बुध का धनु राशि में आने की वजह से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। कार्य व्यवसाय में भी उत्साहपूर्वक माहौल बना रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ मिल सकता है। छात्रों के लिए समय अच्छा चल रहा है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। माँ का स्वास्थ्य आज अनुकूल रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए आज का समय अच्छा है। कर्क राशि के जातक ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें, इससे आपको काफ़ी अनुकूलता मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य ध्यान देने वाला है। सादा और जल्दी पचने वाला भोजन करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आज बढ़ सकती हैं। कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। नौकरी वाले जातकों का समय भी आज अच्छा है। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। विरोधियों से भी धन मिलने की संभावना बनती है, प्रयास करें। छात्रों का आज का समय अच्छा है, मन लगाकर पढ़ाई करें। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी का स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहेगा। थोड़ी हड्डी संबंधी समस्याओं की परेशानी बढ़ सकती है, ध्यान रखें। सिंह राशि वाले जातक गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें, या ओम घृढ़ि सूर्याय नमः, ओम घृढ़ि सूर्याय नमः का मानसिक जप करें, काफ़ी अनुकूलता मिलेगी आपको। आज आपकी वाणी मृदुल बनी रहेगी, स्वभाव में बहुत लचीलापन मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बना हुआ रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी अनुकूलता मिलती रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों का समय आज अच्छा है। धन संबंधी मामलों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कन्या राशि से में चंद्रमा चल रहे हैं, इसलिए लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, भाग्य पूरा साथ देगा। माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा महसूस होगा। कन्या राशि के जातक ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र का मानसिक जप कर सकते हैं। क्योंकि कन्या राशि के ऊपर चंद्रमा आज खुद ही चल रहे हैं, इसलिए उनका स्वभाव, उनका मिजाज आज बहुत अच्छा महसूस होगा। पहले से बहुत राहत महसूस करेंगे। धन संबंधी मामलों में पूरा सहयोग मिलेगा।
पराक्रम या प्रयास के हिसाब से जो काम सोचेंगे वह लगभग पूरे होंगे। कार्य व्यवसाय ठीक ठाक चलेगा। नौकरी करने वाले जातक भी अनुकूल महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्मविश्वास वाला रहेगा। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य भी आज अच्छा माना जाएगा। तुला राशि वाले जातक ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत ऊर्जावान है। कुछ अच्छे कामों में खर्च होने की संभावना दिखती है। विशेष तौर से भाग्यवश कुछ अच्छे काम होंगे। व्यवसाय संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। नौकरी करने वाले जातकों का आज अच्छा समय चल रहा है। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आत्मविश्वास बना हुआ है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में भी अनुकूलता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज ओम नमः शिवाय का मानसिक जप काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। चूँकि बुध आपकी राशि पर से हट चुके हैं, इसलिए जो पहले मानसिक उलझन बनी हुई थी उसमें आपको सुधार महसूस होगा। पहले से अच्छा महसूस करेंगे। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। कार्य व्यवसाय आज अनुकूल रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों का आज का समय लाभदायक है। विद्यार्थियों के लिए समय आज अच्छा चल रहा है। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पत्नी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धनु राशि वाले जातक आज गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें, इससे अनुकूलता मिलेगी। या केले के पौधे में जल डालें। आज नौकरी या व्यवसाय में जिसमें भी हैं उसमें मन उलझा हुआ रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य अच्छा महसूस करेंगे। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। जो सोचेंगे वह लगभग सारे काम पूरे होंगे, लेकिन एक मानसिक उलझन मन में बनी हुई रहेगी। धन संबंधी मामलों में फिर भी अनुकूलता बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा महसूस होगा। माँ का स्वास्थ्य राहत भरा हुआ रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर महसूस होगा। मकर राशि के जातक ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। आज का दिन लगभग ठीक है आपके लिए, पर स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है। नौकरी करने वाले जातकों का समय भी आज अच्छा चलेगा। आज बहुत बढ़िया दिन है। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, मगर खर्च भी होने की संभावना आज बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा चल रहा है। माँ का स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज देव दर्शन के योग बने हुए हैं। किसी मंदिर या शिवालय जा सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन मानसिक उलझन दिमाग में कुछ ना कुछ बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से आठवें चल रहे हैं। इसलिए ठंड से बचें। कफ संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। काम आपके सब आज ठीक होंगे। व्यवसाय संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। नौकरी करने वाले जातकों का भी आज का दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज समय अनुकूल बना हुआ है। पढ़ाई करें, भाग्य साथ देगा। माँ का स्वास्थ्य अनुकूल है। आज पत्नी का स्वास्थ्य भी अनुकूल बना हुआ है। मीन राशि वाले जातकों के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका मानसिक जप करें। बहुत अनुकूलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है। मानसिक रूप से भी अनुकूल है। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों का आज का दिन अच्छा रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है। माँ का स्वास्थ्य पहले से बेहतर महसूस होगा, पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय।